हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आए दिन अपने गानों और फिल्मों से चर्चा में बने रहते हैं। पवन सिंह लगभग 27 साल से गायन के क्षेत्र में हैं और अभिनय करते हुए 15 साल हो चुके हैं। आपको बता दें, पवन का एक गाना तो सबको पता है, जिसके बोल हैं लॉलीपॉप लगे लू। इस गाने ने पूरी दुनिया में जगह बनाई है और एक मात्र ऐसा भोजपुरी गाना है जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश का आइकॉन सॉन्ग माना जाता है। इस होली के मौके पर पवन सिंह ने बॉलीवुड में एंट्री मारी और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पवन सिंह का गाना कमरिया हिलाए रही है यूट्यूब पर लगातार 81 घंटे ट्रेंडिंग में बना रहा। पवन सिंह के इस धमाल को देख कर बॉलीवुड भी दंग रह गया। But not with Pavan sir, not with an ego attached to it. You could tell that he's like loved by so many people and he has amazing work under him, but he didn't have that ego. So it was just a collaborative effort. How can we come together and make a super duper hit song? Kamariya Hilaye Rahi mein Pavan ke saath dance karte nazar aayi thi Lauren, jo ki ek bahut badi Bollywood dancer hai. Pavan ke fans ke liye ek aur badi khushkhabri hai. जल्द पवन सिंह का एक और बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है जिसके बोल हैं माशाल्लाह जान। ठीक ना, और मैं मीडिया के सामने आपसे बोल रहा हूँ कि आपसे आपको मेरे साथ एक भोजपुरी गाना भी करना होगा। और सबसे खास बात ये है कि इस गाने में भी लॉरेन ही पवन के साथ ठुमका लगाते नजर आएंगी। इस गाने को अगले महीने यानी अप्रैल के अंत तक रिलीज कर दिया जाएगा। और पवन सिंह के मैनेजर्स द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस गाने को उसी कंपनी से रिलीज किया जाएगा जिसने उनका पिछला गाना कमरिया हिलाए रही है रिलीज किया था। इस गाने के अलावा भी पवन सिंह के और भी बॉलीवुड सॉन्ग्स आने वाले हैं, जिनकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। माशाल्लाह जान की वीडियो शूटिंग भी हो चुकी है, बस गर्मी का इंतजार किया जा रहा है रिलीज के लिए। पवन सिंह दिन पे दिन नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अब तो पवन को देखकर यही लगता है कि वो जल्द ही बॉलीवुड पर भी राज करेंगे और दर्शकों का मनोरंजन इसी तरह करते रहेंगे। दर्शक काफी बेसब्री से उनके अगले गाने का इंतजार भी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह की हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है पवन पुत्र। इस फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस फिल्म का एक गाना बहुत प्रसिद्ध हो रहा है जिसके बोल हैं कहेलू की लाई का बानी। आपको बता दें, इस साल पवन की बैक टू बैक फिल्में आने वाली हैं, जैसे कि बॉस, घातक और कैसे हो चला प्यार। इन सब फिल्मों को इसी साल रिलीज भी किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि पवन की बॉलीवुड में एंट्री कैसी रही है और आप उनके किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। अगर वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। Instagram और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद।